1983 में मॉन्ट्रियल से एडमोंटन जा रहे एयर कनाडा फ्लाइट 143 का आसमान में 41,000 फीट ऊपर ही फ्यूल खत्म हो जाता है। इसके बाद जो हुआ उसको जानकर आपका होश उड़ जाएगा। दोस्तों, जब रिफ्यूल टीम एयर कनाडा फ्लाइट 143 में फ्यूल भर रहे थे तो 22,300 लीटर की जगह 11,000 लीटर ही भर दिया और पायलट बिना फ्यूल लेवल चेक किए ही प्लेन को टेक ऑफ कर दिया। और जब प्लेन 41,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था तो प्लेन का दोनों इंजन काम करना बंद कर दिया और फिर अचानक पायलट का नजर फ्यूल पे जाता है जो कि पूरी तरह से खत्म हो चुका था। आपको बता दें, उस समय प्लेन में 61 पैसेंजर बैठे हुए थे। हवा के प्रेशर से इंजन थोड़ा थोड़ा काम कर रहा था। अब इस प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए सबसे नजदीक जिमली एयरपोर्ट था जिसे रेस्ट ट्रैक बना दिया गया था, लेकिन उस पे भी इमरजेंसी लैंडिंग हो सकता था और फिर पायलट इसी रेस्ट ट्रैक पर प्लेन को उतारने का सोचा। और फिर पायलट अपनी सूझबूझ के साथ ग्रेविटी फोर्स के सहायता से टायर को खोला तो आगे वाला टायर आधा ही खुला और जब प्लेन लैंड किया तो टायर पर लोड पड़ते ही टायर अंदर चला गया और फिर प्लेन का आगे वाला हिस्सा जमीन से फ्रैक्शन करने लगा और फिर प्लेन क्रैश लैंडिंग हो गई। लेकिन इस हादसे में किसी भी व्यक्ति का जान नहीं गया।